नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डबल बॉर्डर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, मैंने ये बनाया हुआ है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बॉर्डर बनाते हैं। डबल बॉर्डर बनाने के लिए हमें दो कलर का ऊन चाहिए, एक जो हमारा मेन कलर है और एक दूसरा कलर। तो दोनों थ्रेड्स में हम गांठ लगा लेंगे। ये हमने गांठ लगा लिया। अब जो हमारा मेन कलर है उसे हम उंगली पे रखेंगे और जो दूसरा कलर है उसको अंगूठे पर इस पोजीशन में हम रखेंगे और सिलाई को इस गांठ के ऊपर ऐसे रखेंगे। अब इसे हम दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। मेन कलर उंगली में रहेगा और जो सेकेंडरी कलर है वो अंगूठे पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पोजीशन हो गया। अब सिलाई को ऊपर से घुमा के ऐसे ले जाएंगे। ये हमारा पहला फंदा हो गया। अब इसको हम पकड़ लेंगे। अब जो दूसरा धागा है उसके ऊपर से ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसके अंदर से दूसरे अपने मेन धागे को ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। फिर देखिएगा, ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ हमने लपेट लिया। ये तीसरा हो गया, इसको ऐसे पकड़ लेंगे। अब वापस सेकेंडरी कलर वाले गए, ऐसे नीचे से ले जाएंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे एक लपेटेंगे, ये एक फंदा बन गया, इसको पकड़ेंगे। फिर नीचे से सेकेंडरी कलर वाले के नीचे से जाएंगे और एक फंदा ऐसे बना लेंगे। एक बार ऐसे ऊपर से बनाएंगे, फिर एक बार दूसरे धागे के नीचे से, एक बार ऊपर से बनाएंगे, एक बार दूसरे धागे के नीचे से। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम ऐसे ऊपर से लपेट रहे हैं इस धागे के, देखिए ऐसे ऊपर से लपेट रहे हैं। दूसरी बार दूसरे वाले धागे के नीचे से जाके ऐसे खींच के ला रहे हैं। एक बार ऊपर से, दूसरी बार दूसरे वाले धागे के नीचे से खींच के, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ऊपर से फिर धागे के नीचे से खींच के। एक बार ऊपर से ऐसे चढ़ाएंगे, दूसरी बार धागे के नीचे से ऐसे खींच के लाएंगे। एक बार ऊपर से चढ़ाएंगे और दूसरी बार धागे के नीचे से ऐसे खींच के लाएंगे। इसी तरह करते हुए हम 100 फंदे बना लेंगे। तो मैं 100 फंदे बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 100 फंदे हो गए हैं। अब हम थ्रेड को यूं ही पकड़े रहेंगे, इसको ऐसे, ये हमारा ऊपर से जाएगा, इसको यूं ही पकड़े रहेंगे। पहले फंदे को, ये हमारे बॉर्डर का पहला लाइन है और पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दूसरे फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। तो इसे ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है, ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा। तो एक फंदा हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को सीधा बुनना है। एक फंदा स्लिप किया, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुना। तो इसी तरह करते हुए एक फंदा सीधा बुनते हुए, अगले फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम बॉर्डर के दूसरी लाइन पे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये फंदा हमारा स्लिप किया हुआ है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। और ये फंदा उल्टा बुना गया है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर अगला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा। यानी जिस फंदे को हमने पिछली लाइन में बुना था, उसी फंदे को हम पिछले लाइन में हमने इसे सीधा बुना था, तो रॉन्ग साइड से ये उल्टा आ जाएगा। तो उसी फंदे को हम बुन रहे हैं, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे हमने वापस स्लिप कर रहे हैं, और ये फंदा हमने सीधा बुना था तो रॉन्ग साइड से ये हम उल्टा बुन रहे हैं। ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे वापस स्लिप कर रहे हैं, उन अपनी ओर अगला फंदा देखिए, इसे सीधा बुना था तो इस साइड से ये उल्टा हो जाएगा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरी लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं। तो अब हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को यानी जिसे हम स्लिप करते रह रहे हैं उसे वापस स्लिप कर लेंगे, उल्टे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर सीधा नेक्स्ट फंदे को स्लिप, अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे। यानी कि इसी फंदे को हम दोनों साइड से बुन रहे हैं, और जिस फंदे को स्लिप कर रहे हैं उसे दोनों साइड से ही स्लिप करते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये तीसरा लाइन बुन रहे हैं, इसी फंदे को हम आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुन रहे हैं, और जिसे स्लिप किया था उसे वापस स्लिप करते जा रहे हैं। तो सीधे वाले फंदे को हम बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप करते चले जाएंगे। ये हमारा तीसरा लाइन है। तो तीसरा लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा तीसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फिर हम रॉन्ग साइड में हैं, और ये है हमारा चौथा लाइन। तो रॉन्ग साइड से हमको उल्टे फंदे बुनना है और सीधे वाले फंदों को स्लिप करते आना है। पहला फंदा स्लिप कर लिया, उन अपनी ओर किया, अगला फंदा उल्टा, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर अगला फंदा स्लिप करना है, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा स्लिप करना है, उल्टे वाले फंदे को बुन लेना है। एक फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है। जिसे हम स्लिप करते आ रहे हैं उसे वापस हमें स्लिप करना है, और जिस फंदे को हम बुन रहे हैं उसे वापस बुनना है। अब ये फंदा देखिए, हम आगे से सीधा बुनते रहे हैं तो रॉन्ग साइड से ये उल्टा हो जाएगा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा देखिए, ये हमने बुना है तो इसे वापस हम उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह बुने हुए फंदे को हमें वापस उल्टा बुनना है, और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते जाना है। उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चार लाइन कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, ये कैसे बन के आया है। तो चार लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद ये है हमारे बॉर्डर का पांचवा लाइन। तो अब हम
पहला फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे। सीधा और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आ गया। सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदा देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा था तो अब हम इसे उल्टा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हम अब स्लिप किए हुए फंदे को भी बुनना शुरू कर देंगे और उसे उल्टा बुनेंगे। सामने की तरफ हम हैं और देखिए इसे हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनते आए हैं तो इसे सीधा बुनेंगे और इसे स्लिप किया है तो इसे उल्टा। तो अब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, सिंगल रिब की तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि ये जो हमने गांठ लगाया था इसे हम खोल देंगे। इसे हम खोल देंगे और अब ये जो दूसरा सिरा है इसको हम धीरे से ऐसे पकड़ के खींचना शुरू करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ऐसे हम खींचना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा निकल गया और ये हमारा फंदा बन गया। देखिए ये डबल बॉर्डर हमारा बन गया। अब रॉन्ग साइड से हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं ऐसे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ऐसे ऊपर ऊपर बनाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डबल बॉर्डर बन गया। अब हम दोनों तरफ से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हमें अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है।